Hi guys, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. तो आज द highly requested video है. काफ़ी बार आप पूछ चुके हैं कि मैं अपनी you know body को कैसे maintain करती हूँ, specially weight को. First है आप ऐसी आदतें inculcate करनी होंगी जो आपके लंबे time तक you know आप follow कर सके और आपकी body अच्छे से maintain रहे. तो इसी बारे में आज की वीडियो होने वाली है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को. तो चलो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, वो है क्लीनिंग ऑफ गट. ना सिर्फ आपको वेट लूज करने में हेल्प करती है बल्कि जो आपकी ओवरऑल हेल्थ है वो आपकी गट से डिसाइड होती है. बहुत सारी बीमारियों का कारण ही यू नो अनहेल्दी गट होती है. तो हमें सबसे पहले अपनी गट को क्लीन करना है. मैं अपनी बताऊं तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन की यू नो प्रॉब्लम रही है. एंड जब मैंने यू नो शुरुआत की थी तो मैंने काफ़ी ऐसे देसी नुस्खे ही फॉलो किए थे, लाइक रात को सोने से पहले निवाए दूध के अंदर जो जैगरी पाउडर होता है, या आप गुड़ ले लीजिए, रिफाइंड शुगर या रिफाइंड जैगरी पाउडर जो होते हैं वो नहीं लेने, उनमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते. तो मैं दूध के अंदर वो मिलाती थी और वो पी लेती थी. आप लोगों को अगर ईसब गोल जो है वो सूट करते तो आप ले सकते हैं. मैं उसे स्वेलो नहीं कर पाती थी. ट्रिफला आप ले सकते हैं रात को सोने से पहले. जो प्रीबायोटिक्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, ये भी आपकी हेल्दी गट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. यू नो आप दही जमाते हैं उसी के अंदर कुछ रेजिन्स डाल सकते हैं. जो अगर उसके अंदर रेजिन डालेंगे तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दोनों मिक्स होकर बहुत ही अच्छा यू नो रिजल्ट देते हैं. आप इस तरह का रेजिन से सेट किया हुआ दही खा सकते हैं. उसकी जगह फाइब्रस फ्रूट्स खाएं तो आपकी स्किन, आपके बाल, सब चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी अगर आपकी हेल्दी गट होती है. तो फर्स्ट ये बात सबसे पहले मैंने बोली क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि सुबह उठते ही आपको लूक फॉर्म वाटर पीना है. मैं क्या करती थी, रात को सोने से पहले एक गिलास पानी के अंदर अजवाइन हो गया और ज़ीरा हो गया और सिनेमन हो गया, वो डिप करके रख देती थी. सुबह उस पानी को मैं स्ट्रेन करके पी लेती थी. एंड थोड़ा अगर आपको निवाया करना है यानी कि लूक फॉर्म करना है तो भी आप कर सकते हैं. इस तरह का जो पानी है ना वो मेडिकेटेड वाटर बन जाता है. आपकी गट तो क्लीन करेगा, साथ में जो पूरे रात जो स्टमक में एसिड बना है उसको भी यू नो डिसॉल्व आउट कर देगा. एंड साथ में क्या है, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है. इसके अलावा मैं जो करती थी वो है, खाना खाने से 20 मिनट पहले मैं एप्पल साइडर विनेगर लेती थी. एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आप ले लोगे ना पानी में मिला के, लूक वार्म वाटर ले लो, आप देखेंगे कि खाने के टाइम पर आप काफ़ी पहले तो फुलफिलिंग फील करेंगे, आपको ज़्यादा भूख ही नहीं लगेगी, तो आपका कैलोरी इनटेक कम हो जाएगा और साथ में क्या है वो आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है. तो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी मेंटेन करता है. इवन आपको बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम है तो उसको भी सही करते हैं. टीथ है उनको वाइटन करते हैं. काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं एप्पल साइडर विनेगर के. अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं बट डेली खाना खाने से 20 मिनट पहले एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको वेट लूज करने में हेल्प करता है. आप काफ़ी बार पूछते हैं कि कौन से ब्रांड का हम एप्पल साइडर विनेगर लें, तो इस तरह का जिसके अंदर मदर ऑफ विनेगर हो वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स, प्रोटीन्स ये सब होते हैं. मैं जो एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ करंटली वो है वाओ लाइफ साइंस का एप्पल साइडर विनेगर. इट इज़ 100% नेचुरल ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड एप्पल जूस फर्मेंटेड टू 4% एसिडिटी. इवन मदर ऑफ विनेगर मेक्स इट मोर बेनिफिशियल. सो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. buywow.in से अगर परचेज करते हैं तो यू कैन यूज़ माय कूपन कोड dreamsimple20 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ. फॉर बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप. You can also check authenticity of their products by scanning this QR code available on their products. Currently sale is going on, so please check out their app or website for offers. नेक्स्ट मैं ध्यान रखती थी कि जो भी मैं खाना खा रही हूँ उसके अंदर यू नो आपके प्रोपोर्शंस होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिंस, मिनरल, फैट होना चाहिए. तो एक जो हेल्दी डाइट है जो आपको वेट लूज करने में हेल्प करेगी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन कम होना चाहिए,
प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, फैट भी थोड़ा कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फैट को हटा दो। जो ऑयल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसी के अंदर डिसॉल्व होकर आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। प्रोटीन ज़्यादा होगा तो क्या है, आप लंबे टाइम तक फुलफिल फील करेंगे। जैसे मैं सुबह क्या करती थी, मैं पनीर ले लेती थी, ठीक है, या फिर मैं एग्स ले लेती। ब्रेड की एक स्लाइस लीजिए, वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। ब्राउन ब्रेड आप ले सकते हैं, उसके ऊपर पीनट बटर लगा सकते हैं। देन आप सैलड यानी फ्रूट सैलड आप ले सकते हैं, उसके अंदर फाइबर भी होगा, तो यू नो आप काफ़ी लंबे टाइम तक फुलफिल फील करेंगे। देन आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है ना, जो कहते हैं ना संतुलित और हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, अगर आप ब्रेकफास्ट के अंदर छोटा सा एक कटोरी में थोड़ा सा पोहा डाल के खा लेंगे ना, मैं बता रही हूँ आप 11 भी नहीं बजा पाएंगे और आपको क्रेविंग होगी कुछ भी यू नो आलतू फालतू चीज़ खाने की। नाउ जो दो चीज़ें मैंने बिल्कुल यू नो रिलीजियसली फॉलो की थी वो है, खाना खाने के बाद जो हम पैर फोल्ड करके बैठते हैं, मैं ऐसे बैठती होती थी 5 मिनट के लिए। अगर आपकी जॉइंट्स वगैरह में पेन है तो ऑब्वियसली आप ऐसा मत कीजिए, डाइजेशन इम्प्रूव होता है इस पोजीशन से। और उसके बाद जो सेकंड है वो है कि आप खाना खा के बिल्कुल लेटिए मत या बैठिए मत, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप वॉक करें। लंच के बाद आप 15 मिनट तक घर के अंदर ही वॉक कर सकते हैं। 45 मिनट्स का जो वॉक है पूरे दिन में हमेशा करती थी, जिससे यू नो एक फिजिकल एक्टिविटी है जो आपकी बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि आपको करनी ही करनी है। और मैं बताऊं कि एक्सरसाइज तो बाद की बात है, पहले आपको अपनी बॉडी को इस लायक बनाना है कि आप यू नो स्ट्रांग एक्सरसाइजेस कर सके, तो वॉक से स्टार्ट करिए। अगर आप यू नो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो कुछ ना कुछ अपनी ऐसी यू नो डांस कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ यू नो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या वॉक वगैरह कर सकते हैं, और स्टेयरकेस चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, जंपिंग जैक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना आपको एक फिजिकली इन्वॉल्व रखेंगी, आप में एनर्जी आएंगी। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो यू नो काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं थ्रू आउट द डे, तो मेक श्योर कि आप इस तरह की जो एक्टिविटी है वो दिन के शुरुआत में कर ले तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपका पूरा दिन फिर अच्छा रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हैबिट है वो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई है, और ये जो है ये मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कट डाउन रिफाइंड शुगर एंड सॉल्ट। आई कैन टेल यू कि मैंने शुगर को बिल्कुल कट डाउन कर दिया, लाइक मैंने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। मैं बिल्कुल भी रिफाइंड शुगर नहीं लेती, चाय में, दूध में, किसी भी चीज़ में मैं रिफाइंड शुगर नहीं लेती। बट हाँ, सॉल्ट है, मैं उसको कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाई, बट मैंने काफ़ी कम कर दिया है। तो आप भी जितना हो सके रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड ऑयल से, इवन रिफाइंड ऑयल, यस रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल एंड रिफाइंड सॉल्ट, इससे दूर रहिए। देसी घी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप यू नो जो सरसों का तेल है जो अनरिफाइंड होता है, मिल से निकलवाते हैं, उस तरह का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये आपके यू नो ये आप हैबिट बना लीजिए, लॉन्ग रन में हेल्प करते हैं। इवन मैं आपको जो आटा बताऊंगी वो भी है कि मैं यू नो जो रेडीमेड आटा होता है पिसा पिसाया वो नहीं लेती, क्योंकि वो भी रिफाइंड, उसको इतना फाइन कर देते हैं वो मैदा टाइप। मैं अपने घर पे ही, मेरे पास चक्की है, मैं उसी में ही अपने गेहूँ से आटा बनाती हूँ, और या उसी को हम यूज़ करते हैं। ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो ओवरऑल हमें यू नो अपनी बॉडी को। अब अगर आप मुझे एकदम से कहें कि कुछ एक चीज़ आप बता, तो ऐसा नहीं होता है। हमारी जो यू नो पूरा हमारा जो रूटीन है, हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी हैबिट्स हैं, वो ही हमें यू नो जैसे हम दिखते हैं उसके लिए आंसरेबल होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक और आदत मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये आदत मेरी आज से मैंने नहीं बनाई, मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही बनाई है, कि मैं कभी भी अपनी कोई भी मील स्किप नहीं करती। मॉर्निंग में हमें ब्रेकफास्ट करना है, देन लंच करना है, डिनर करना है। स्नैक्स की हमें ज़्यादा आदत नहीं है, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ स्नैक्स के अंदर, एंड बीच में फ्रूट्स वगैरह खा लो ये सब। मैं ये नहीं देखती कि मुझे भूख लगी है कि नहीं, वो मेरा एक रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वही आपकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट को डिसाइड करता है, वही मेंटेन करता है, फ्लक्चुएट नहीं होने देता, और जो आप खाते हो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और आपकी जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो सही होता है। अगर आपको बेसिक मेटाबॉलिक रेट किस तरह से आपके बॉडी वेट को यू नो अफेक्ट करती है वो जानना है, तो बहुत ही मतलब डिटेल हो जाएगा ये, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा।
जो भी आपका बॉडी वेट है वो उसी से डिसाइड होता है कितना आप कंज्यूम कर रहे हो और कितना आप स्पेंड कर रहे हो। अगर आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो आप स्पेंड ज़्यादा कर रहे हो, आप कितना भी खा लोगे अगर आप स्पेंड ज़्यादा कर रहे हो तो ओवरऑल आपकी बॉडी वेट है वो बढ़ेगा नहीं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पानी ज़्यादा पीना चाहिए, सबको ही पता है करना ही है। कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें भूख लगी है कि प्यास लगी है और हम किचन के अंदर कुछ भी स्नैक्स वगैरह ढूंढ लेते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, पानी पी सकते हो, कोकोनट वाटर आप ले सकते हो। ये सब छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो मुझे हेल्प करती है, आई थिंक आपको भी हेल्प करेंगी। पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं इन आदतों से, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे एक्सरसाइज पे और डाइट पे, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो या आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। मैंने इसके अंदर बहुत इस तरह से नहीं बताने की कोशिश की लाइक रूल बुक और गाइडलाइन, ये एक ऐसे बताने की कोशिश की है जैसे मैं अपने फ्रेंड को बताऊं कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। आई होप आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और आपके साथ मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।